हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो सुबह की पूजा हम लोगों की हो गई है, अब मैं बनाऊंगी नाश्ता। नाश्ते में बनाऊंगी आज आलू के पराठे। आरुषि को बहुत पसंद है, बोल भी रही है। आरुषि उठ गई है, आरुषि अभी सो रहा है, थोड़ा लेट सोया था रात में। आज आलू के पराठे ही खाने हैं आरुषि को। और दोनों बहनें जो है चूल्हे के पास में चली गई है। अभी चूल्हा मैंने जलाया नहीं, मैं सोच रही हूँ, पानी तो मैंने तुलसी क्यारी में दे दिया है, तो मैं सोच रही हूँ पत्ते ले लूँ थोड़े से चाय में डालने के लिए। इतने से काफी है आज की चाय में सुबह की। तो नाश्ता जो है मैं आज बनाऊंगी मिट्टी के चूल्हे पर, फिर होगी इसकी रिपेयरिंग। कल जो है माँ ने मिट्टी भिगो कर रखी थी, लेकिन कल माँ को फिर टाइम नहीं मिल पाया, तो माँ मुझे कर तो रही थी मना ही। मैंने कहा वहाँ पे गर्मी लग रही है किचन में बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा यहीं पर बना लेते हैं, उसके बाद मैं रिपेयरिंग कर देगी, सब्जी भी बन जाएगी और नाश्ता भी बन जाएगा। रोटियाँ जो है हम दोपहर की वहाँ पर सेक लेंगे। तो चलो जी, जीना लगा देते हैं। गुस्सों में भी बहुत एनर्जी वेस्ट हो रही है, ऐसे हो रहे जो ना सीमेंट है ये, बिल्कुल इतने वो हो रहे पक्के गुस्से भी। चलो जीना तो लग गया है, पतीली में बनाएंगे आज चाय। यहाँ हवा भी लग रही बढ़िया, आज हवा लग रही है यहाँ खाना बनाने में, अच्छा रहेगा ये। अब से लग जा थोड़ी देर में। अभी जो है चूल्हे में फूंक मारने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हवा इतनी तेज है वो जल गया एकदम से अपने आप ही। और ये मैंने इसमें पानी रख दिया है, पानी को अभी थोड़ा सा गर्म होने देते हैं, तब डाल लेंगे चीनी, चाय की पत्ती। अदरक खत्म हो चुका है, प्रीति ने मुझे बताया नहीं कि अदरक खत्म हो गया, क्योंकि कितने ही दिनों से उसने किचन संभाल रखी है। तो चलो जी, इसे गर्म होने देते हैं। अभी मैं काटूंगी प्याज, प्याज भी डालूंगी मैं आलू के साथ में। आलू ठंडे होने के लिए मैंने निकाल दिए हैं। प्याज कस कर डाल लूँ कैसे? काट के डाल लो, कस काट के नहीं लगता। कद्दू कस कर लेंगे ना, काट का फिर हाँ फिर वे ज़्यादा मोटी मोटी सी हो जाए ना। ठीक है, पानी पक चुका है ये, इसमें अब डालूँगी मैं चाय की पत्ती। और चाय की पत्ती माँ बोलती है थोड़ी सी कम डाल लग रो। और ये तुलसी के पत्ते, ये चीनी, शुगर। चाय पक गई है, तो इसमें मैं अभी डालूंगी ये दूध। दूध डाल दिया है, अभी इसे और पकाएंगे, खद्दा लगाएंगे इसमें अच्छे तरीके से। तब तक जो है चाय में खद्दा लगेगा, ये प्याज कसूंगी, कद्दूकस करूंगी यानी, और ये आलू का छिलका उतारूंगी। अभी मैंने स्टील के कद्दूकस में ही ये प्याज कसूंगी, क्योंकि लोहे का कद्दूकस जो है उसके छेद ज़्यादा मोटे हैं, तो उसमें बड़ा प्याज निकलता है। और ये प्याज जो है मुझे आलू की पिट्ठी में मिलाना है, ताकि पराठे जो है अच्छे से फूले फूले बने। और यहाँ पर मैंने आलू भी छील लिए हैं, अब इनको भी मैं कद्दूकस कर लूँगी। और जो अर्ली मॉर्निंग के काम हैं वो अरविंद भैया चाचा जी के साथ में मिलकर करवा देते हैं पशुओं के, और इधर के जो हैं थोड़े से प्रीति ने कर लिए हैं। अंदर रूम में मैंने सबके बिस्तरे उठा दिए हैं, थोड़ा सा संगवा दिया है। उधर प्रीति को मैंने बोला था कि तुम जो है आटा बनाकर दे दो मुझे, तब तक मैं इसकी स्टफिंग तैयार कर लेती हूँ। चाय हमारी पककर तैयार हो गई है अच्छे से, फिर मैं बनाती रहूँगी और गर्मा गर्म नाश्ता प्रीति जो है सबको खिलाती रहेगी। अभी इसमें मैंने ये प्याज जो है वो डाल दिया है। पानी ये प्याज का इसलिए नहीं डाला है क्योंकि फिर स्टफिंग जो है पतली हो जाएगी, तो उसे आटे में भरकर बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। और मैं सोच रही हूँ आज डबल के आलू के पराठे बनाऊँ, जो डबल जैसे रोटी दो बनाकर और उनके बीच में
स्टफिंग लगा देते हैं। तो इस तरीके से ही मैं सोच रही हूँ आज बनाना। काफ़ी दिन हो गए हैं बच्चों को पराठे खाए हुए, वैसे बीच में एक दो बार प्रीति ने दिए तो, लेकिन पूरी फैमिली को खाए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। तो मैंने सोचा एक हेल्थी सा नाश्ता आज बनाकर सबको खिलाते हैं और सबका मूड फ्रेश हो जाएगा। और अभी मैंने इसमें सारी चीज़ें जो हैं जो जो मिलानी थी वो मिला ली है। और देखिए मिर्च डालना मुझे याद नहीं रहा बिल्कुल भी। फिर प्रीति ने बोला कि आपने हरी मिर्च डाली है क्या, तो मैंने सोचा लाल मिर्च पाउडर बस हल्का सा ही डाल देते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो ज़्यादा तीखा या मिर्च वाला खाना खाना पसंद नहीं करते हैं। अगर हम सबकी सब्जी बनाते हैं तो उनके लिए हमें सब्जी थोड़ी अलग निकालनी पड़ती है जिसमें ज़्यादा तीखापन ना हो, सिंपल सी सब्जी खाते हैं। 9:45 बज चुके हैं सुबह के और यहाँ पर नाश्ते की तैयारी। आज बच्चों की फरमाइश थी आलू के पराठे, तो यहाँ पर उन्हें आलू के पराठों को जो है मूर्त रूप दिया जाने लगा है। रॉ मटेरियल तो तैयार कर लिया गया था काफ़ी देर पहले और यहाँ पर ये डबल बन रहे हैं, डबल ये। और सिंगल इसलिए नहीं बन रहे हैं क्योंकि ये आटा कुछ ऐसा ही हो रहा है। और ये पहला पराठा है ट्रायल के रूप में। साइज में बड़े करूँ छोटे करूँ? कैसे भी कर लो, खाए तो सारे ही जाएंगे। लो जी, ठीक है। ये देखिए ये है ढाबे वाला पराठा फुल साइज, जैसे ढाबे पे फुल प्लेट होती है और पराठा ये फुल साइज है। और हाफ साइज थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, लेकिन अभी जो पहला ट्रायल वाला पराठा है वो यहाँ पर फुल साइज है। तवा बहुत गर्म है, मक्खन में पराठे बनाए जा रहे हैं। और नमक दे दो। कौन ले रहा नमक? पिताजी ले रहे हैं। पिताजी नमक क्या खा रहे हैं? काला नमक दे दो, पिताजी पनीर देगा ही या कटोरा। और ये काफ़ी दिनों बाद व्यवस्था हो रही है यहाँ पर आलू के पराठों की। हो गया होगा महीना भर तो है, 5 तारीख में हो जाएगा एक महीना। नहीं तो बिस्किट रस्क ये चल रही बच्चों के। ज़्यादातर जो है रेडीमेड नाश्ता था बिस्किट वगैरह का पिछले 15-20 दिनों में। और अब जो है ये फरमाइश बच्चों की आलू के पराठे। तो यही कह रही थी मैं तो आज आलू के पराठे खाऊंगी। आरुषि के तो कई कई बार तो मुझे ये कह रही थी मम्मी आप कब को ठीक होगे, कब को खाना बना करोगे। आरुषि कह रही थी मुझे। लो जी ठीक है, ढाबे वाला पराठा तैयार है। ये बन गया जी पराठा। आलू भी हैं, ये मत मानिएगा ये प्लेन है, ये आलू पराठा है। प्याज भी है क्या? हाँ प्याज भी है। हाँ प्याज भी है, थोड़ी सी मात्रा में है, लेकिन प्याज भी। जितनी प्याज होनी चाहिए उतनी मात्रा में डाल ली बनने इसमें। अच्छा मुझे कम सी लग रही है। ना ना ठीक है, प्याज तो ठीक है, रेशियो प्याज और आलू का रेशियो ठीक है बता दिया है कुक ने। और ये खाली हमारा वहम था कि इसमें प्याज नहीं है, लेकिन वो जो है बात सच निकली कि इसमें प्याज है। मैं सोच रही हूँ चलो पिताजी भी खा लेंगे, थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो पिताजी कह रहे हैं आज मुझे पराठा दिया इन्होंने, मैंने कहा मैंने नहीं खाया, इन्होंने दिया मुझे। कोई बात नहीं, ये मक्खन का है, नुकसान नहीं देने का। मक्खन ज़्यादा नहीं लगता, तेल हो या देसी घी हो, देसी वाला उससे ज़्यादा ऑयली ऑयली सा हो रहा है। क्या चाहिए? पनीर। पनीर चाहिए? हाँ। चलो मैं दूंगा, चलो कटोरी ला उठा कर मैं दूंगा। नमक, नमक भी डाल दूंगा। कौन सा डाल दूंगा? नमक काला नमक। अच्छा ये है, ये खाओगे? और कल तक इसे पसंद नहीं था, आज इसे पसंद लग गया है कच्चा पनीर। कह रही पिताजी को, पिताजी पनीर खा गए पराठा भी खा लगे आप। पिताजी तो कह रहे मुझे भूख नहीं लग रही थी। बच्चों के भी कैसे कैसे सवाल रहे। आरुषि कह रही पिताजी को अभी तो आपने पनीर खाया फिर आप पराठा भी खा लगे इतनी देर में। और आज जो है मैंने आरुषि की फरमाइश पूरी कर दी है। ओबियसली खाना बनाया है मिट्टी के चूल्हे पर, उसे अच्छा लगता है। और वो मुझे बीच में कई बार बोल चुकी थी मम्मी आप कब ठीक होगे, कब खाना बनाया करोगे। हवाएं काफ़ी तेज चल रही है यहाँ पर और लगता है यास तूफान का असर है आज, थोड़ी सी तेज़ है हवाएं।
इधर पलट के आ गया है, उड़ीसा बंगाल से होता हुआ, तो थोड़ा सा असर देखने को मिल रहा है यहाँ पे आज। एटमॉस्फेयर में थोड़ी सी ठंडक भी है और हवाएं भी तेज हैं, और तेज हवाओं की चुनौतियों के बीच यहाँ पर आलू के पराठे का चैलेंज एक्सेप्ट किया है और तवा अलगा पड़ गया है। ये काफ़ी दिनों से प्लानिंग बन रही है तवा खरीदने की, लेकिन पिछली बार लॉकडाउन हुआ भी था डिल्ला, उसमें गोरनी की और नया तवा खरीद के नहीं लाए। अब ये पतला सा तवा है, थोड़ी सी आंच में तो ये बहुत तेज़ हो जावे हैं, और फिर ज़रा सी आंच कम करते ये बिल्कुल ठंडा हो जावे हैं, और जब यूं ही बार बार हो जावे तो पराठों में बनाने में भी दिक्कत भी आवे है। एक साइज नहीं आता उनका, किसी पे तेज आंच लगी पावे, किसी पे कम पावे। बात ये हैगी कि नहीं हैगी? हैगी। चाय बन गई थी पतीली में, देसी टेस्ट वाली चाय, और फिर ये देसी पराठे, और ये देखो जी बातों ही बातों में जल गया एक तो। जला नहीं, तेज आंच है बस, जल गया ये देखो, उतार दो से बस। ये कुक का ध्यान थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ और मागी वजह से सावधानी हटी और पराठा जला यहाँ पे। कुक जो है इसका ध्यान कहीं और था और एक पराठा यहाँ पर जल गया है। कोई बात नहीं, अभी काफ़ी मटेरियल है, हो जाएगा उसमें। और ये ना समझिए दोबारा खाना बनेगा, नाश्ता ब्रेकफास्ट खाना और ब्रेकफास्ट सब एक साथ ही है ये। अच्छा ब्रंच है ये। 10 बज जाएंगे इतने, 9 बजे खाए पियेंगे 10 बज जाएंगे, 3-4 बजे फिर एक्स्ट्रा बना के रख दिया, बच्चों को भूख लगेगी तो एक आधा लपेट लेंगे बीच में। अभी 11 बज चुके हैं लगभग और काम समाप्ति की ओर है सुबह के रूटीन का। क्या रह गया? क्या क्या रह गया? रहने को तो बहुत कुछ है, रोने को बहुत कुछ हो गया, बर्तन साफ हो गए, नाश्ता खाना सब कुछ हो गया, सभी चौंकी थी लौकी की। ब्रेकफास्ट लंच बराबर ब्रंच, हाँ भी हो चुका, और बर्तन साफ हो गए, बर्तन भी साफ हो गए। अभी दूध रखे पतीले में, क्या रखा? सभी चौंकी लौकी की अपने लिए। अच्छा लौकी चलेगी अभी? हाँ बस रोटी सेक लेंगे फिर गैस पर, जब दोपहर में मन करेगा खाने में। अब तो नाश्ता नुश्ता कर लिया, दवाई ले लेंगे, बर्तन साफ हो गए, धूम पाने से पहले ही चूल्हा साफ करना बस अभी। अच्छा तो शरीर ठीक काम कर रहा? नहीं अभी ज़्यादा ठीक नहीं कर रहा, चक्कर से आने लगे थोड़ा करते। चलो कोई बात नहीं, अब आराम कर लिया, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी फिर वही पहले वाला। अभी वो फुर्ती नहीं आई, मतलब शरीर जो है उस चीज़ की गवाही नहीं दे रहा पहले वाले ही फुर्ती की। अभी मशीन भी लगाई प्रीति ने, 2 दिन के कपड़े हैं आज के और कल के, सब नहा तो लिए, कपड़े भी निकाल दिए, 1-2 बेड शीट है ऊपर, आज उसने क्लीनिंग करी थी सुबह के टाइम, सुबह नीचे का फर्श हुआ था, बहुत सारे काम है अभी, झाड़ू पोछा ऐसे ही पड़ा हुआ है, अब मैं करूँगी थोड़ा थोड़ा। हाँ पहले हमको सब्जी बन जान दो, ये बाहर का धूप का काम निमट जाएगा, बस फिर अंदर ही कर जाएंगे दोनों। लौकी भी पक जाएगी, रखी हुई जब तक देखो पकी होगी तो शायद। दो जनों की है बस, थोड़ी कोई भी खा सके, सबने खा लिया ना पराठे, छक के सबने खा लिए। परहेज वालों की है जिनका अभी परहेज चलेगा। दूध रखा जाना है अंडी में कल बिलोने के लिए, तो चलो जी ये टंग रही दूध की बाल्टी, इसे तार के दे दूंगा, थोड़े से हल्के फुलके कामों में जो है मदद तो करनी पड़ेगी अभी। चलो जी इस बाल्टी में है दूध, और ये रखा जा कड़ने के लिए, लो जी ये रख दिया लास्ट में। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो का अब यहीं पर कर देते हैं एंड, और आपको हमारा ये आज का वीडियो कैसा लगा एकदम देसी स्टाइल में कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।